लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही है। वही राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा भी लगातार तेज हो गया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर आने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी वरिष्ठ नेताओं का यहाँ आगमन होगा। अमित शाह जी ने भी दिए हैं और अलग अलग जगहों से भी बधाई संदेश आ रहा है, किस तरह आप देखते हैं? पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के शुभकामना के लिए। और आज हमारा सौभाग्य है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी फोन करके आशीर्वाद दिए हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी भी दिए हैं, गृहमंत्री जी भी दिए हैं और सभी वरिष्ठ जन का आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हमको ताकत मिलेगी और जो लक्ष्य अपना है उसको प्राप्त करने में मनोबल अपना बढ़ेगा। जन्मदिन के मौके पर आप न्योता भोज करवा रहे हैं जशपुर में, गृह ग्राम में उसके बारे। हाँ, हमारे गांव में ही एक आश्रमशाला है पहली से लेकर पांचवी तक, जिसमें आदिवासी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, रहते भी हैं, आवासीय विद्यालय है, तो आज उनके साथ स्नेह भोज का कार्यक्रम है। सर, सुबह से पहुना में भी बहुत से लोग आ रहे हैं बधाई संदेश देने, पूजा भी किया है आपने? जी, आज पूजा भी किए हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ मतलब यहाँ पर लाए हैं रायपुर में, जो रथ रहता है भगवान जगन्नाथ जी का और बलराम भगवान का, और दोनों का रथ का ओरिजिनल पहिया है जिसका दर्शन पूजन किए। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, कोंडागांव में क्लस्टर बैठक भी लेंगे, बिलासपुर में जानते थे। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। सर